दोस्तों, बॉलीवुड के दबंग मैन सलमान खान की फिल्म का हर कोई इंतजार करता है और ईद पर इस साल भले ही उनकी फिल्म रिलीज ना हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2025 ईद में उन्होंने अपनी बुकिंग अभी से ही कर ली है। दरअसल आपको बता दें, 2025 में सलमान खान एक नई प्रोजेक्ट पर नजर आने वाले हैं जिसका नाम है सिकंदर। जी हाँ यार, मुल्क दोस्त और साजिद नाडियाडवाला के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म सिकंदर में सलमान खान नजर आने वाले हैं और इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। आज सलमान खान इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं, तो सोचिए जब ये फिल्म रिलीज होगी तो ये फिल्म कितना धमाल मचाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है, साजिद नाडियाडवाला की फिल्में वैसे भी रॉक ऑन होती हैं, और वहीं अगर हम एआर मुरुगदास की बात करें तो एआर मुरुगदास अपनी फिल्म में जान डाल देते हैं, और ऐसे में सलमान खान की इस फिल्म से भी काफी आप उम्मीदें रख सकते हैं। सलमान खान को जहां आपने लास्ट फिल्मों में देखा है, उनकी फिल्में इतनी ज्यादा नहीं चल पा रही हैं, लेकिन माना जा सकता है कि सिकंदर में वो सिकंदर बन के ही सभी का दिल लूटने वाले हैं। सलमान खान के चाहने वाले वैसे भी सिकंदर के रूप में देखने के लिए सलमान खान को काफी एक्साइटेड होंगे। वेल, अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि सलमान खान इस फिल्म में एज अ हीरो ही नजर आएंगे या फिर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं या फिर वह इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। देखने वाली बात होगी कि सलमान खान इस फिल्म में एज अ हीरो के तौर पर नजर आते हैं या फिर इस फिल्म को वे प्रोड्यूस करते हैं और साजिद नाडियाडवाला और एआर मुरुगदास उनके साथ होते हैं। वैसे देखा जाए तो सलमान खान ही इस फिल्म में होंगे, क्योंकि सलमान खान, एआर मुरुगदास और जहां पर साजिद नाडियाडवाला है तो फिल्म में जरूर सलमान खान ही होंगे। सलमान खान से एक्सपेक्टेशंस बढ़ भी जाती हैं और साजिद नाडियाडवाला, एआर मुरुगदास अगर साथ में है तो सलमान खान को ही एज अ हीरो के तौर पर प्रेजेंट करेंगे। वेल, 2025 ईद के मौके पर आप सलमान खान को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा सलमान खान की कौन सी फिल्म आपको पसंद है, और साथ ही क्या आप सलमान खान को रोमांटिक अंदाज में पसंद करते हैं या फिर एक्शन मोड में, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं आपका इंतजार कमेंट सेक्शन पे कर रही हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, बाय बाय एंड टेक केयर।